तो दोस्तों वही हुआ जिस बात का अंदाजा मुझे पहले से था। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि कल शाम को मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को लेकर कि वो बहुत जल्दी ही बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे और भाई इस फिल्म को बनाने वाले हैं साजिद नाडियाडवाला। दोस्तों जब मैं ये रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा था तो आपने मेरी न्यूज में ये बात जरूर देखी होगी जिसमें मैंने ये बात कही थी कि भाई इस खबर को आप लोगों को बताते हुए मैं काफी घबरा रहा हूं कि भैया कहीं ये खबर फेक साबित ना हो जाए। यानी कि भैया इस खबर को लेकर मैंने काफी जांच पड़ताल की थी। यानी कि भैया इस खबर को तो मैंने आपको काफी लेट से बताया था और भाई जब तक मैंने ये खबर आप लोगों को बताया था उसी वक्त उसी बीच में ये जानकारी अक्षय कुमार की तरफ से आ गई कि भैया ये खबर जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि मैं बहुत जल्दी ही सुनील शेट्टी के बेटे के साथ एक फिल्म में नजर आने वाला हूं, तो भैया ये खबर सरासर झूठी यानी कि फेक है। तो दोस्तों वाकई में कल जब मैं इस रिपोर्ट को आप लोगों को बता रहा था तो मुझे भी इस बात का अंदाजा हो रहा था, लेकिन भैया जब मैंने इस खबर की जानकारी लेने की कोशिश की थी तो मुझे कुछ ऐसे इनपुट मिले थे जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर बहुत जल्दी ही काम शुरू हो। लेकिन भैया जब खिलाड़ी कुमार ने इस फिल्म को लेकर अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दे दिया है कि भाई ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही है, ऐसी किसी फिल्म में वो काम नहीं कर रहे, ये खबर झूठी है, तो भाई ये खबर सरासर झूठी है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी से और उसके साथ बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार से क्षमा चाहूंगा कि मैंने भी इस खबर को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और आइंदा से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा कि भैया किसी भी खबर को आप लोगों के सामने रखने से पहले पूरी तरीके से जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूंगा कि भैया ये खबर 100% सत है तब तक मैं आप लोगों के सामने ऐसी खबरों को नहीं रखूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे क्षमा जरूर करेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।